परिवार में मातम पसरा है। एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चे काल की गाल में समा गए। घर के पास में बने कुंड में नहाने गए तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसकी खबर लगते ही परिवार बिलख रहा है। सिंगरौली में खैराही टोला में पानी में डूबने से तीन बच्चों मुकेश बैगा, नीलेश बैगा, सुरेश बैगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे पास में बने पानी के कुंड में नहाने गए थे, जहां उनकी डूबने से मौत हुई। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। प्रशासन ने बच्चों के परिवारजनों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। वहीं घटना की खबर के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना को हम तो नहीं जानते, ये घटना हुआ तो हमको बताया कि तुम्हारा नाती एक डूब गया है, तो हमने कूद करके आया तो देखे थे कि बच्चा है पड़ा था, और फिर आए और फिर इनको इशारा किए कि बच्चा देखो उसमें और तो लड़के नहीं है, कि खेलते खूनते और भी चले गए होंगे, तो फिर बाद में दो बच्चे इन्होंने निकाला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।